हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हो? मैं हूँ कोमल कटारिया। तो आज अभी कर रहे हैं हम कढ़ाई, ठीक है, नौमी। अभी मेरा सूरजपुर हो गया था तो मैंने कुछ चीज़ें डिलीट करी हैं। हमेशा हो जाता है कुछ भी, कब सूरजपुर होना इज़ लाइक नॉर्मल थिंग। तो अभी मैं आटे की तैयारी, यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, इधर हमारा हलवा है, इसके अंदर हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। रेडी करके सारा सामान फिर मैं रेडी होने गई थी। पहले हमने पूजा का सामान रेडी करा, फिर मैं रेडी हुई हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। और अभी बस पूड़ियाँ बेलना शुरू करेंगे, थोड़ी देर में मिलेंगे वापस। तीन परी आ गई हमारे, तीनों तो एक परी वाले फिराक पहन रही है, तीनों की तीनों आते न्यू न्यू फिराक पहन रही है। जया जी है ना भाई, है जी है, कौन लेकर आए फिरोक आपका? कल बहुत पहले, नहीं बहुत पहले, बहुत सुंदर लग रहे दोनों, सेम सेम लग रहे हैं ना। और ये मेरे घर का है। और भी यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा है, पिंक पिंक पानी का फेवरेट। अरे विराज का वो मैंने कल पहना था, वो मेरी नानी ने भेजा है। हाँ वो बहुत अच्छा, देख ये ब्याह मेरे बेटा इसके पास भी भाई है, करता करता मैं टुल्लू भी आ गया, ये भैरव बाबा आ गए। भैरव बाबा भैरव बाबा आप भी बैठ जाओ, ए भैरव बाबा आ गए हमारे, भैरव बाबा, ए भैरव बाबा, ये हमारे भैरव बाबा हैं। भगवान माता रानी की कृपा से भैरव बाबा भी बैठे हैं कन्हा माता के साथ। मेरा तो लाल है, ये हमारी विराज को लगा दे, देखे देखो ताका देखा है, कोमल बांध लगा नहीं कहते, नहीं देखा हाथ के, ये भाई पावनी तिलक लगा दिया भैरव बाबा को पावनी में। हटियो माता रानी, जय माता की, कैसे लगा दिया? अरे वाह, कैसे कैसे लगा दिया, ये कैसे तिलक लगा दिया दीदी ने आपको? मैं तो आपको बांध लूंगा, बड़ा हाँ वो तो कह रही हूँ, मैं देखने लग रहा है अपने हाथ में, हाथ में देख रहा है, मेरे हाथ में धागा नहीं है। ले भाई, ले अपन खुलवा ले अपना। ओए मेरी बेटी, ओए माँ, अरे मेरे राजकुमार, क्या पट्टा मैंने तो पहली बार, मेरे बेटा ये देख रहा है, लेकिन इनको बांध दिया तो मैं छोड़ दिया, देख अरे यू ना सच्ची थोड़ा टाइट मत करिए ना, ये इलाज तो नहीं देगा। अभी बनाया, ओ बन रहा है, अभी मिला आपको, इधर बैठा देंगे, इतना जोत लगा लेगा ऊपर साथ डाल मार, और क्या ना ना सदा खुश रहे, और क्या खुश रहे युवराज। चल भाई चले पूरी बना दे इनकी, आप ही पहन रख दो इतने सीधे करके रखियो, कोई बात ना फिर क्या होगा रख दे। सो गाइज, यहाँ पे जो है मेरी पूरी प्रिपरेशंस हो चुकी है, खाना रेडी है, मैं यहाँ गर्मा गर्म पूरियाँ बना रही हूँ। और मम्मी लड़कियों को हलवा दे के आ रही थी, उनको हलवा बहुत पसंद आया था। तो अभी फ़िलहाल पावनी, जया, जिया ये तीनों ही हैं, निक्की स्कूल गई थी तो उसने जो है अपना शैम्पू किया था डिनर, और आते ही अपनी मम्मी को उसने कहा था कि मम्मी आपने क्यों कोमल आंटी से लिया खाना, क्योंकि मैं उसका देकर आ गई थी प्रसाद घर पर, बट उसने नहीं खाया, कह रही वहीं जाके खाऊंगी। तो वो घर आई स्कूल के बाद और उसने फिर यहाँ पर खाना खाया शाम के टाइम, मैं का कोई बात नहीं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म मेरी पूरियाँ बन रही हैं और मम्मी जो है सबको दे रही है, पहले कंजक जी माई, उसके बाद जो है हमने जो प्रसाद पैक किया था, क्योंकि जो कन्याएं थी वो बहुत छोटी थी, एक एक साल की थी और थी भी दूसरी तरफ, तो वहाँ से लाने ले जाने में कौन लेके आता ना, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमने खाना जो भी था हमारा प्रसाद बांध करके अच्छे से और वहीं पर भिजवा दिया था, और जितनी हमारे पास कन्याएँ थी हमने उनको जमा दिया था।
तो इस तरीके से जो है हमारा पूरा खाना बन गया था। और उसके बाद जो है मेरी पूरियाँ लाइक पूरी रेडी हो गई थी। और ये मैं अलग से अपनी आवाज़ दे रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं खाना बना रही थी तो क्या ही आवाज़ देती हूँ। मैंने आज भी पूरा दिन साड़ी पहनी है, ग्रेट। अरे मम्मी चने लेके सब्जी को चेक करके कह रही, तूने चने नहीं डाले सब्जी के अंदर? मैं भूल गई। बट फिर हमने मतलब बाद में सब्जी रेडी कर दी थी, चनों की, आलू चने की सूखी सब्जी बनाई थी, बड़ी मस्त बनी थी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है मेरा पूरियाँ भी ऑलमोस्ट हो ही गई थी क्योंकि ज़्यादा पूरियाँ मैंने इसलिए नहीं बना के रखी, फिर वो ठंडी होने के बाद मज़ा नहीं आता खाने में इसकी वजह से। और उसके बाद जो है अभी मैं बना रही हूँ लवकेश के लिए राइस, क्योंकि लवकी उठ चुका है। और यहाँ मैं नीचे चेक कर रही हूँ, मेरे बेटे ने सब कुछ खिंडा रखा है, यानी पूरी किचन फैला रखी थी मेरी। तो यहाँ पे मैं लवकेश के राइस बना रही हूँ, उसके जो फेवरेट नमकीन चावल, दोपहर के टाइम तो वो वही खाता है। तो छोंक लगा दिया था मैंने जीरे का, टमाटर आलू डाल के, और उसके बाद मसाला तो खैर वो नहीं खाता, वो बिल्कुल सादे चावल खाता है, सिर्फ हल्दी नमक और हरी मिर्ची भी लगा लो एक काट दो, उसमें भी कहता है मिर्ची डाल रखी है, तो वो इतना तीखा नहीं खाता है, लवकेश कम तीखा खाता है। बाकी कभी कुछ बना देती हूँ तो टेस्ट ज़रूर करता है, मना नहीं करता कभी भी। तो ये तो उसका मसाले रेडी हो चुके हैं, ये राइस भी मैंने साथ के साथ डाल दिए हैं पानी डाल के। पानी मैंने पहले ही चेक कर लिया था लाइक उसकी क्वांटिटी कितनी है, पानी जितना डलेगा, तो पहले मैंने बड़े मग में ले लिया था पानी। और ये उसके राइस भी ऑलमोस्ट रेडी है, अभी थोड़ा सा मैं नमक टेस्ट कर लूँगी। परफेक्ट, हाथ बैठ जाता है नमक पे। अरे हमारी रबड़ बार बार निकलती है कुकर की, हमें बार बार फिक्स करके लगाना पड़ता है इसको। गैस भी मेरी निकल रही थी क्योंकि पानी मतलब गर्म हो जाता है तो पता चल जाता है कुकर ठीक से बंद है कि नहीं है। और यहाँ मैं सारा सामान उठा रही हूँ, विराज ने जितना भी फैलाया है। सो इसी के साथ हम जो है ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड। बाय बाय।